हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं ऑफसेट कमांड के बारे में, जो कि हमारी मॉडिफाई पैनल के अंदर यहां पर होती है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था मिरर कमांड के बारे में, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में। तो ऑफसेट कमांड को हम डायरेक्ट यहां से भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ओ। जैसे हम यहां पर कीबोर्ड के अंदर ओ टाइप करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर टॉप में ऑफसेट कमांड दिखाई दे रही है, तो डायरेक्ट हम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हम यहां पर ओ एंटर कर सकते हैं ऑफसेट कमांड अप्लाई करने के लिए। तो ऑफसेट कमांड को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड से यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर पॉली लाइन की मदद से एक यहाँ पर कोई भी शेप क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ F8 की प्रेस करके। तो यहाँ पर ये मैंने पॉलीलाइन कमांड की मदद से ये शेप क्रिएट कर ली। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ बेसिक शेप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफसेट कमांड रिबन बार में से लेते हैं मॉडिफाई पैनल के अंदर। यहाँ पर हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे इसको। तो जैसे हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ये ऑफसेट डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि अगर आपको किसी शेप की अगर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो वो डुप्लीकेट कॉपी आपको कितने डिस्टेंस पर करनी है, तो वो ये हमारी ऑफसेट डिस्टेंस से डिफाइन होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस कर देता हूँ यहाँ पर 50 और फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट कि आपको कौन से ऑब्जेक्ट की यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे मैं कर्सर ऊपर की तरफ अगर रख रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ इसकी ऑफसेट 50 डिस्टेंस के ऊपर ये एक कॉपी क्रिएट कर रहा है इस रेक्टेंगल की। अगर मैं यहाँ पर अंदर की तरफ अगर कर्सर को लेके जाऊंगा तो ये 50 की डिस्टेंस पे अंदर की तरफ इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी 50 की डिस्टेंस के ऊपर इसने इस रेक्टेंगल की कॉपी क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे इस कमांड से एग्जिट करने के लिए और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे या हम एस्केप की एंटर की या प्रेस स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दोबारा मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेसिफाइड डिस्टेंस के अलावा यहाँ पर थ्रू अरेज लेयर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास वो है थ्रू का। तो जैसे मैं यहाँ पर थ्रू के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद अब ये हमसे ऑफसेट डिस्टेंस नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कर्सर को मूव करूंगा तो आप देख सकते हो ये स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट पूछ रहा है अब कि आपको ये ऑब्जेक्ट की कॉपी कहाँ तक क्रिएट करनी है। तो मुझे जैसे यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है यहाँ तक, तो ये यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देगा। ओके, अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अब यहाँ पर ये कमांड हमारी कंटिन्यू तो है मगर ये हमसे दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पूछ रही है। जैसे मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे दोबारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट पूछेगा। तो अगर हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर रिपीटेड कॉपी क्रिएट करनी है किसी भी शेप की और ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोबारा ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पर अभी थ्रू के अंदर ऑफसेट की डिस्टेंस एंटर कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस कर लेते हैं 10, एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं एग्जिट, मल्टीपल और अंडू का। एग्जिट से हम कमांड से एग्जिट कर जाएंगे, मल्टीपल से यहाँ पर हमारी इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर मल्टीपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर इस सर्कल की डुप्लीकेट कॉपी अंदर की तरफ क्रिएट कर लेता हूँ, फिर दोबारा अंदर की तरफ क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये 10-10 की डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर इस सर्कल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते चल रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल की मदद से बिना दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए इनकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये कमांड हमारी एग्जिट नहीं हुई अभी, अभी हम सिर्फ मल्टीपल मोड से एग्जिट हुए हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे तब जाके हमारी ये कमांड एग्जिट होगी। ओके, अब दोबारा हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है अरेज का, अरेज के ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अरेज के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास यस और नो का। यस का मतलब ये है कि आप सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर यस करता हूँ और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर 10 एंटर कर लेता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसे मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आउटसाइड में अगर यहाँ पर कर्सर को लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पर अभी डिसअपीयर हो रहा है, यानी कि हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने अरेज का ऑप्शन यस किया है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा डिलीट हो जाता है।
ओके। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, जो हमारा यहाँ पर ये सोर्स ऑब्जेक्ट था ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी दोबारा हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेंगे, अरेज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर नो सेट कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यस के ऊपर सेट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लेयर का। लेयर के अंदर क्या है कि हम यहाँ पर कुछ लेयर क्रिएट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नई लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर जैसे एक न्यू लेयर ये क्रिएट कर लिया, एक न्यू लेयर ये क्रिएट कर लिया। इसका कलर मैं डिफरेंट चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर दे देता हूँ, ओके करता हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ। अभी आप यहाँ पर टिक मार्क देख रहे होंगे, ये होता है हमारा सेट करंट लेयर के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लेयर वन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारी लेयर वन सेट एज करंट लेयर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में मूव कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो हमारी इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हुई है उसकी जो लेयर है, अगर हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर दिखाएगा जीरो। तो ये हमारी जीरो लेयर असाइन हो रखी है इसके ऊपर। ये क्यों असाइन हो रखी है, क्योंकि ये सोर्स ऑब्जेक्ट की लेयर प्रॉपर्टी को पिक करता है। अभी जैसे अगर हमें यहाँ पर जो हमने सेट करंट किया था लेयर वन को, उसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर दोबारा ऑफसेट कमांड लेंगे, लेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर करंट और सोर्स के दो ऑप्शन आ रहे हैं। सोर्स का मतलब है कि जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेयर प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको पिक करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर सोर्स के ऊपर सिलेक्टेड रखिए। अदरवाइज अगर आप करंट लेयर के बेस पे अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर करंट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाइड डिस्टेंस 10 एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर प्रॉपर्टी असाइन हुई है। जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी लेयर वन असाइन हो रखी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाय लेयर भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दोबारा ऑफसेट कमांड लेते हैं, 10 एंटर करते हैं, अब यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमने लेयर ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। अगर हमें यहाँ पर सोर्स की जो लेयर प्रॉपर्टी है वो एज इट इज चाहिए अब, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करता हूँ, अभी एंटर करता हूँ, अब दोबारा ऑफसेट कमांड लेंगे, लेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, 10 एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब की बार जो यहाँ पर जो लेयर प्रॉपर्टी आई वो हमारी जो सोर्स ऑब्जेक्ट की लेयर प्रॉपर्टी है वो एज इट इज असाइन हुई है इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट लेयर की भी प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पर लेयर 2 की अगर प्रॉपर्टी असाइन करनी है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ, यहाँ पर लेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम करंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 10 एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पर ये ग्रीन कलर था सेकंड लेयर के अंदर, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये लेयर 2 की प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट लेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेयर के ऊपर जाता हूँ, सोर्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड के सभी ऑप्शन यूज करते हैं। उसके अलावा जो ऑफसेट कमांड है उसका यूज हम मोस्टली फ्लोर प्लान डिजाइन के लिए करते हैं, या हम ग्रिड लाइन क्रिएट करने के लिए भी ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर ग्रिड लाइन अगर क्रिएट करनी है, जैसे मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे इसकी डिस्टेंस डाल देता हूँ 500 और फिर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और एक मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 500, एंटर। अब यहाँ पर मैं इसको लेयर 1 डिफाइन कर देता हूँ और ये हमारी लेयर 2 होगी। ओके, अब यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ एंटर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर स्पेसिफाइड डिस्टेंस पूछ रहा है ऑफसेट की, तो मैं यहाँ पर 50 एंटर कर लेता हूँ। फिर ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ पर मल्टीपल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर ये 50 की डिस्टेंस के ऊपर इसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट करता चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड की मदद से ये ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारी ग्रिड क्रिएट होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर फटाफट ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं ऑफसेट कमांड की मदद से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।